गाइस, अगर अभी बात की जाए कि हम अपने YouTube चैनल को जब ओपन करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो देखने को मिलती है वो होती है कि गाइस हम अपने चैनल को कैसे किस कैटेगरी पे जो है वो फिक्स करें। और गाइस सेकंड कि हम अपने कैटेगरी को जब फिक्स भी कर लेते हैं, सपोज दैट कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ YouTube के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो सिर्फ YouTube के बारे में स्टार्ट करते हैं, उन सिर्फ क्रिएटर्स की हेल्प करना चाहते हैं, जो क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। तो गाइस अगर आप भी इनमें से एक हैं, यानी कि जब आप भी चाहते हैं कि हम क्रिएटर्स की हेल्प करें, तो गाइस आज मैं 10 कैटेगरी इस पर लेकर आया हूँ जो कि सिर्फ YouTube पे डिपेंड करता है, यानी कि सिर्फ YouTube के रिलेटेड है ऐसा, कि अगर आप चाहें तो इस कैटेगरी का यूज़ करके आप जो है वह क्रिएटर्स की हेल्प करना स्टार्ट कर सकते हो। और गाइस बहुत ही डीपली मैं जो है वह इसे लाया हूँ, इस पर बहुत सारा रिसर्च किया हूँ तब जाके मैं इसे लाया हूँ। तो गाइस इस वीडियो को आप देखते रहिए, और गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी क्रिएटर्स की हेल्प करें, यानी कि आप भी ऐसा वीडियो बनाएं जो बहुत ही कम समय में ग्रो करे और जो है सिर्फ YouTube के बारे में हो, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस आज के इस वीडियो का टाइटल क्या है कि अबाउट YouTube 10 चैनल कैटेगरी लिस्ट, यानी कि इस पर मैं सिर्फ जो है वह YouTube के बारे में 10 जो है वह कैटेगरी लिस्ट ले आया हूँ। तो गाइस पहला हमारा क्या होता है, पहला है गाइस कि लोगो, ठीक है, यानी कि पहला चीज है लोगो कि लोगो। अब क्या होता है गाइस कि जब हम चैनल को ओपन करते हैं, जो भी क्रिएटर्स स्टार्ट करता है यूट्यूब पे काम करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है उसमें लोगो कि वह चैनल तो बना लेता है, और सेकंड चीज आती है लोगो कि अब वह लोगो बनाना स्टार्ट करता है। तो गाइस लोगो कोई जो है बाय भी कर सकता है, यानी खरीद भी सकता है किसी से। मान लीजिए आपको लोगो बनाना आता है और मुझे नहीं आता है, तो मैं आपसे खरीद सकता हूँ, आपको डिमांड कर सकता हूँ कि आप जो है हमें बना के दीजिए, मैं उसके बदले में आपको पैसा दूंगा। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स क्या होते हैं कि इस तरीके के नहीं होते हैं, उनके पास जो है वह स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करने की नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं लोगों को बनाना सीखते हैं, क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे अपने से सीखते हैं बनाने के लिए। तो आप उसमें कैसे हेल्प कर सकते हो उनकी, तो गाइस इस पर आप जो है एक डेडिकेटेड चैनल बना सकते हो जिस पे कि सिर्फ आप जो है लोगो बनाना स्टार्ट कर सकते हो और लोगो बनाना सिखा सकते हो। गाइस आप इस पे 2 से 3 महीना अगर वर्क करते हो, दो से तीन मंथ जब आप इस पे जो है वर्क करते हो, तो गाइस आपको ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, आपका चैनल में ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस आपको इस पे क्या करना है कि 2 से 3 महीना तक आपको सिर्फ जो है वह लोगो पे काम करना है, और लोगो की रिगार्डिंग ही आपको चैनल बनानी है, और इस पे और कोई जो है वह गैदरिंग वाली वीडियोज़ नहीं डालनी है। ये नहीं कि अब इस पे एक काम करना स्टार्ट किया और उस पे जो है और भी अदर वीडियोज जो मैं डालना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा में क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके जो है यूट्यूब पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो है अभी डीपली काम करना है, सिर्फ लोगों के रिगार्डिंग आपको एक चैनल बनानी है और उस पर सिर्फ लोगों के बारे में ही बताना है। गाइस इसमें जो है आपका स्कोप बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आप जो है अगर लोगो बनाना स्टार्ट कर दोगे, सीख जाओगे लोगो बनाना, अगर आपको नहीं आता है तो बस आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि हाउ टू क्रिएट लोगो, मतलब आप इस पर सर्च करो सिर्फ यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाती है, आप उसको देख करके भी सीख सकते हो, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। अब ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी था क्या कि हम जो है वह क्रिएटर्स की हेल्प कर सकते हैं लोगो बना करके। लोगो इसमें तो मैं सिर्फ 10 ही चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ, 10 ही जो है वह टॉपिक। और सेकेंड टॉपिक क्या है गाइज कि है वह है बैनर, ठीक है ना, बैनर यानी कि YouTube पे आप देखते होंगे कि जो भी चैनल आप ओपन करते हैं, तो अगर सपोज दैट कि आप ही अपना चैनल जब ओपन करते हैं तो गाइज उसमें जो है वह बैनर देखने को मिलता होगा। मेरा चैनल को ओपन कीजिएगा तो उसमें भी बैनर मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी क्रिएटर्स होते हैं वो अपने चैनल पे बैनर लगाते हैं। अब समझ सकते हो कि कितना क्रिएटर्स है। गाइस अगर आप इस पे स्टार्ट करोगे एक चैनल, डेडिकेटेड चैनल बनाओगे सिर्फ बैनर के बारे में, ओनली वन, इस पे जो है आप सिर्फ बैनर के बारे में ही बताओगे, तो गाइस आपका चैनल जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और बहुत ही स्पीड में आपका चैनल जो है वो आगे बढ़ेगा। तो आप इस पे भी एक डेडिकेटेड चैनल बना सकते हो। और गाइस देखते हो कि कोई फंक्शन आता है, कोई भी इवेंट्स आता है, तो उसमें जो है वह बैनर जो है वह चेंज होता है, यानी कि वह अपने बैनर को चेंज करके जो है नेक्स्ट लेवल का बैनर लगाते हैं। सपोज दैट कि 1 लाख अगर सब्सक्राइबर पूरा जाता है, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर अगर अचीव हो जाता है किसी चैनल का, तो वह जो है वह 1 लाख का जो है वह बैनर अपने चैनल पर लगा देता है ऊपर में। जो भी चीज़ होती है आप जो है वह अच्छे से अच्छे बैनर बना के 2 से 3 महीने सिर्फ जो आपको बैनर की रिगार्डिंग ही जो है वीडियोज अपने चैनल पर डालनी है, जो आप जो नया चैनल जो क्रिएट करोगे जो बैनर की रिगार्डिंग होगी। और गाइस थर्ड चीज़ क्या आता है कि हमारा सब्सक्राइब एनिमेशन, ठीक है, सब्सक्राइब एनिमेशन पे आप कैसे वर्क कर सकते हो गाइज कि सब्सक्राइब एनिमेशन पे आप देखते होंगे कि जितनी भी वीडियोस होती है, मेरा ही वीडियोस आप देख लीजिए कि इसमें भी आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा और सब्सक्राइब एनिमेशन मैंने लगाया हुआ है। और जितनी भी वीडियोस होती है आप अपने वीडियोस में भी सब्सक्राइब एनिमेशन लगाते हैं, क्रिएटर जितने भी क्रिएटर्स होते हैं वो अपने वीडियोस में सब्सक्राइब एनिमेशन का यूज करते हैं। तो हम इसके कैसे काम कर सकते हैं, तो आपको जो है बस क्या करना है कि सब्सक्राइब एनिमेशन जो है बनाना सिखाना है लोगों को, जो है वह क्रिएटर्स को जो है सब्सक्राइब एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, अच्छा से अच्छा सब्सक्राइब एनिमेशन कैसे बनाते हैं। आपको इस पे 2 से 3 महीने तक लगातार काम करना है और सिर्फ सब्सक्राइब एनिमेशन पे ही वर्क करना है। आप गाइस अगर डेडिकेटेड इस पे वर्क करते हो तो आपका चैनल का ग्रोथ देखने को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और बहुत ही कम समय में ग्रोथ करता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे चैनल पे एक ही चैनल पे बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस देखने को मिल जाती है, तो बस आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही चैनल पे जो है वो अलग अलग तरीके की वीडियोस आपको डालनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है सिर्फ
अभी जो है वह सब्सक्राइब एनिमेशन की रिगार्डिंग चैनल ओपन करनी है और सिर्फ सब्सक्राइब एनिमेशन के बारे में ही बताना है, आपको 2 से 3 महीने तक और कुछ नहीं बनाना है। और इस चीज को लेकर के बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है एक ही चीज को बनाओ, दूसरा चीज इस पे नहीं डालो। जैसे कि आपका कोई अगर व्यूवर्स आपके चैनल पे लैंड करता है, विजिट करता है, तो गाइज आपके उसके दिमाग में ये चीज आता है कि नहीं, ये जो बंदा है वो जो है सिर्फ सब्सक्राइब एनिमेशन के बारे में बता रहा है और ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो वो तब पर भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करके ही आएगा। तो अगर आप उसको अपने वीडियोस में वैल्यू क्रिएट करने, यानी वैल्यू ऐड करने की जो है, आप जो वीडियोस बना रहे हो उसकी अगर वीडियोस में वैल्यू ऐड होती है तो ठीक है, और उसके लाइफ में कुछ जो है वैल्यू ऐड करने वाली वीडियोस आपकी होनी चाहिए, तो आप सब्सक्राइब एनिमेशन पे वर्क कर सकते हो, आपका चैनल जो है खुद ही कम समय ग्रोथ हासिल कर लेगा। अब आते हैं गाइस कि हम लोग फोर्थ नंबर में, फोर्थ में आता है लाइक एनिमेशन। ठीक है, लाइक एनिमेशन किसे काम करते हैं, जैसे सब्सक्राइब एनिमेशन पे वर्क करते हैं उसी तरीके से लाइक एनिमेशन पे आप इस पे जो है एक छोटा सा चैनल बना सकते हो, जिसमें कि उसको ये लगे जो ही चैनल पे बंदा है आपके चैनल पे, तो उसको ये चले कि नहीं इस चैनल पे जो है एनिमेशन यानी कि लाइक एनिमेशन के बारे में ही बताया जा रहा है और कोई चीज जो है इस पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, सिर्फ लाइक एनिमेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो गाइज आपका चैनल जो है उसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ हासिल देखने को मिल जाएगा। लाइक एनिमेशन जो है आप देखते होंगे अभी के समय में अलग अलग तरीके की वीडियोज में काफी इफेक्टिव जो है लाइक एनिमेशन देखने को मिलता रहता है, आप जो है उसे क्रिएट करना सिखा सकते हो कैसे और कौन सा अच्छा अच्छा लाइक एनिमेशन है उसे आप बता सकते हो, और एक्स्ट्रा बहुत ही चीजें हैं जो आप सिर्फ लाइक एनिमेशन के रिगार्डिंग वीडियोस बना सकते हो। अगर आपको ये भी चीज प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करो, मैं इस पे भी जो है डेडिकेटेड वीडियोस लाते रहूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। अब जाते हैं 5 नंबर में गाइस, तो 5 नंबर में हम लोग लगते हैं इंस्टाग्राम एनिमेशन को। ठीक है, इंस्टाग्राम एनिमेशन को, इंस्टाग्राम एनिमेशन पे क्या कर सकते हैं गाइस कि देखते होंगे कि जितना वीडियोस होता है उसमें भी इंस्टाग्राम एनिमेशन का हम वर्क करते हैं, यानी कि हम अपने वीडियोस में ही अभी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम का एनिमेशन जो है वह लगा रहे हैं, और जितना भी वीडियोस होती है जो भी क्रिएटर्स अपने वीडियोस बनाते हैं उसमें वो इंस्टाग्राम एनिमेशन का यूज करते हैं। आप एक चैनल बना करके, डेडिकेटेड चैनल बना करके सिर्फ जो है इंस्टाग्राम के बारे में ही 15-20 वीडियोस जो है पोस्ट कर सकते हो। आप वर्क करना स्टार्ट करो, आपको अपने आप जो है टॉपिक्स मिलती चली जाएगी। ठीक है, अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको टॉपिक खोजने में भी हेल्प करूंगा। ठीक है, आप कमेंट सेव करना आपको। तो ये है हमारा 5th का, और 6th में क्या करेंगे हम लोग, 6th में रखे हैं हम लोग वीडियो एडिटिंग को। ठीक है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में क्या होता है गाइस कि वीडियो एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी क्रिएटर्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में समझिए, जो भी क्रिएटर्स होते हैं वीडियो एडिटिंग उनके लिए लाइफ में बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट होती है, यानी कि वह वीडियो एडिटिंग के बारे में अगर नहीं आता है उनको वीडियो एडिटिंग, तो वो सोच भी नहीं सकता है कि हम जो है वीडियोज बनाएं। ठीक है, तो उनको जो है सबसे पहले वीडियो एडिटिंग सीखना ही पड़ेगा गाइस। अगर आपको आता है वीडियो एडिटिंग या फिर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख सकते हैं, और सीख के फिर उस पर जो है वर्क करके आप उसे सिखा सकते हैं। तो आप जो है एक चैनल बना सकते हैं गाइस की वीडियो एडिटिंग के बारे में बता सकते हैं कि हम अपने वीडियोज के बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे ऐड करें, हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड में जो है वो इमेज कैसे अच्छा से अच्छा अट्रैक्टिव इमेज कैसे यूज करें, हम अपने वीडियोज के वीडियोस में हवा कट कैसे लगाएं, हम अपने वीडियोस में बहुत तरीके इस तरीके से जो है काफ़ी जो है वह टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाती है वीडियो एडिटिंग में आपको, और जो है स्कोप भी बहुत ही अधिक है, तो इस पर आप डेडिकेटेड चीज़ लेकर के आगे बढ़ सकते हो। वीडियो एडिटिंग भी हमारा जो है वो स्कोप हो सकता है, इस पर भी चैनल आप बना सकते हो और बहुत ही कम समय में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। 7th में आता है गाइस हमारा, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक। अब बोलेंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक। अब देखिए गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है, अगर बोलेंगे कि ये तो छोटा सा चीज है, लेकिन गाइस अगर आप ही सोचिए कि अगर आप किसी के बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनते हैं, किसी वीडियो को देख रहे होते हैं और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुनते हैं, आपको भी मन होता है कि नहीं हमारे अपने वीडियोज में भी है बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। ठीक है, अपन के वीडियो में भी बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करते हो कि सहायता करते हो, हेल्प खोजते हो कि वीडियो खोजते हो कि कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे लिए अच्छा है, तो आप जो है लोगों की हेल्प कर सकते हो एक चैनल बना करके जिसमें कि सिर्फ आप बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बताओ कि अच्छा से अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक कौन है, 5 बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेते हैं, कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाती है, आप उस पर भी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। और सिर्फ आपको डेडिकेटेड यानी कि 10 से 20 वीडियो जो है आपको सिर्फ उसी के रिगार्डिंग पोस्ट करनी है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक को एडिट कैसे करते हैं, वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कैसे करते हैं, बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हमारा 7th टॉपिक, और आते हैं 8th में। ठीक है, आप जो है बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम भी बता सकते हो, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है उसका नाम आप जो है वो 5 बोल के और उसे आधा थोड़ा थोड़ा जो यूज करके आप सुना सुना करके उसे बोल सकते हो, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो इस तरीके से। और एड में आता है क्या गाइस कि इंड स्क्रीन, इंड स्क्रीन। ठीक है, अब देखिए गाइस इंड स्क्रीन क्या होता है, हम अपने वीडियो के अंत में, हम अपने वीडियो के अंत में जो है वह कुछ एनिमेशन कुछ जो है बटन लगाते हैं, बटन क्या होता है सब्सक्राइब का बटन होता है, ठीक है, और अलग नेक्स्ट वीडियो का जो है वह बटन जो था उस पर लगाने की वो लगाते हैं। तो इंड स्क्रीन हम क्रिएट कैसे करते हैं, इंड स्क्रीन सबसे अच्छा इंड स्क्रीन कहाँ से लेते हैं, फ्री इंड स्क्रीन कहाँ से लेते हैं, इस तरीके से आप जो है कि इंड स्क्रीन के रिगार्डिंग चैनल बना सकते हो और इस पर जो है थिंकिंग करके सप्ताह में 1 से 2 वीडियो जो है आप पोस्ट कर सकते हो इंड स्क्रीन के रिगार्डिंग, आपको जो है काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस पर।
मेरे को जो लगता है इस पे जो ऐसे इस तरीके की वीडियोस चैनल जो है आपको किसी चैनल पे इस तरीके की वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि इतना गहराई में जाके आपको बता सके। तो इंडिया स्किन पे आप एक चैनल बनाओ सिर्फ इंडिया स्किन पे, और गाइस उस पे 2 से 3 महीना तक आप सिर्फ इंडिया स्किन के बारे में बताओ, ठीक है। और कुछ भी आपको जो है वह ये नहीं कि सब जो है आके स्टार्ट कर दिया, आप 2 से 3 वीडियो डाले उस पे कोई व्यूज नहीं आया और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर दिए कि अब एडिटिंग कैसे करें, ये ओके वो, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब इंडिया स्किन के बारे में बता रहे हैं तो आपको व्यूज की चिंता नहीं करनी है कि अभी व्यूज आएगा या नहीं आएगा, आपको अपना वर्क करना है, 2 से 3 महीने तक आपको वर्क करते रहना है और देखिए आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस आपको डेडिकेटेड यानी कि दिमाग को फोकस करके आपका जो है सिर्फ वर्क पे देना है। अब 9 में आते हैं हम लोग क्या, ठीक है, वीडियो बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, वीडियो बैकग्राउंड इमेज। अब देखिए गाइस वीडियो बैकग्राउंड इमेज क्या होता है कि हम अपने वीडियोज में जैसे कि हमारे वीडियोज के आपके बैकग्राउंड में जो देखने को मिल रहा है अभी ये सब क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक। इस पर हमने क्या किया जो है वह पहले जो है ग्रीन पर्दा लगाया हुआ, और ग्रीन पर्दा जाने मत क्रोमा की को ओपन करके इसे जो है मैंने किया हुआ। जब एडिटिंग करते हैं आप तो आप इस चीज़ को जानते होंगे, तो मैंने बस इसी चीज़ का हेल्प लिया है। तो आप वीडियो बैकग्राउंड इमेज के बारे में बता सकते हो कि आपको अभी जो है अट्रैक्टिव देखने में लग रहा होगा, ये पीछे में जो बैकग्राउंड है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक के बैकग्राउंड इमेज जो है वह किस तरीके से लगाएं, बैकग्राउंड इमेज जो है वह कैसे क्रिएट करें, बैकग्राउंड इमेज जो है वह अच्छा अट्रैक्टिव इमेज कैसे बनाएं। इस तरीके से आप जो है बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के जो है वीडियोज क्रिएट कर सकते हो। अब गाइस 10th में आता है हमारा थंबनेल। ये हमारे वीडियोस में काफी इंपॉर्टेंट है। क्या थंबनेल, हम अपने वीडियोस में है वह थंबनेल लगाते हैं, आप देखते होंगे कि ऐसा होता है थंबनेल हम अपने वीडियोस पे जो है वो बना करके चिपका देते हैं ऐसे करके। तो आप सिखा सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि हम थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स के बारे में बता सकते हो कि कलर मैचिंग के बारे में बता सकते हो कि एक ही मतलब बैकग्राउंड पे जो है वह कलर कैसे, थंबनेल पे जो है कलर कैसे मैच करें। इस तरीके से आप जो है बहुत सारा स्कोप है, इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। इस पे एक डेडिकेटेड चैनल बनाओ गाइस, सोच क्या रहे हो, स्टार्ट करो इस पे बनाओ। अब देखिए गाइस आपके जो है हमारे चैनल पे एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर आप सिर्फ थंबनेल के बारे में बताते हो। अपने सभी आपने भी थंबनेल अगर आपको सीख भी लिए होंगे, आप थंबनेल देख भी लिए होंगे, लेकिन आपसे भी अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल आपको देखने को मिलता होगा, और आप भी सोचते होंगे कि मैं भी वैसा अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाऊंगा। तो सभी व्यूवर्स ऐसा ही सोचते हैं, जितने भी क्रिएटर होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं भी अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाऊंगा। तो आप उनको जो है वो बता सकते हो कि अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाते हैं, सभी चीज़ें बता सकते हो, और गाइस उस पे भी आपका व्यूज जो है वो अच्छा देखने को मिल सकता है। आप उसकी स्कोप भी है और अर्निंग भी, कोई बात ही नहीं, अगर आप काम स्टार्ट करोगे तो अर्निंग की कोई चिंता मत करो। तो ये था हमारा 10 टॉपिक, ये 10 कैटेगरी पे आप जो है सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर्स की हेल्प कर सकते हो, यूट्यूब पे जो काम करते हैं उसकी मदद कर सकते हो इस कैटेगरी को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही जल्द आऊंगा और उस पर भी जो है वो कैटेगरीज के बारे में ही अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिसको बहुत प्रॉब्लम आती है कैटेगरी फिक्स करने में। कैटेगरी भी हुआ चूज तो कर लेता है कि हमें इसके बारे में बताना है, यूट्यूब के बारे में बताना है, दो चीज इस पे डाला 10 वो दो भी इस पे, यानी कि वह जो है वह पूरा जो है कचरा कर देता है चैनल पे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही सभी मैं कुछ कुछ टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो सभी को जो है आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, जितने भी सेटिंग्स में बताऊंगा आप। तो गाइस मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।